देखिए ये मैं कहूँगा कि जब कॉम्पिटिशन होता है उस टाइम हम ध्यान रखते हैं, लेकिन अदरवाइज स्पोर्ट्स पर्सन को अपना ध्यान रखना पड़ता है। और मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगा क्योंकि न्यूट्रिशन को लेकर काफी सारी बातें होती हैं कि स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स पर्सन का न्यूट्रिशन अलग होता है, हर स्पोर्ट्स पर्सन का बॉडी अलग होता है, तो उनको अपने बॉडी के हिसाब से, अपने स्पोर्ट के हिसाब से न्यूट्रिशन अपना देखना पड़ता है। क्योंकि हर स्पोर्ट में, साइकिलिंग में अलग न्यूट्रिशन होता है, पंजा में अलग न्यूट्रिशन होता है, रेसलिंग में अलग न्यूट्रिशन होता है, तो अपने स्पोर्ट के हिसाब से एथलीट को अपना न्यूट्रिशन देखना पड़ता है। तो एथलीट्स का ये जिम्मेदारी जो है, क्योंकि ऑफ सीजन में एथलीट घर पे बैठ के खाते हैं, तो उनको अपना वेट, ये वो, हर न्यूट्रिशन का ध्यान उनको रखना पड़ता है। तो हर, मैं दोबारा बोलता हूँ, कोई कोई एथलीट वेजिटेरियन है, कोई कोई नॉन वेज है, तो सबको अपने बॉडी के हिसाब से अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है। जल्दी क्या है प्रो पंजा लीग या जो फेडरेशन है, एक स्पोर्ट को चलाना बहुत आसान बात नहीं है, तो टाइम जब मिलेगा और जब एक ऐसा रोल मिलेगा जो एक्साइटिंग हो तो डेफिनेटली। लेकिन हाल ही में आई होप आप सभी ने कफस देखी हो जो सोनी लिव पर हाल ही में रिलीज हुई है, तो डेफिनेटली बहुत सारे OTT शोज है जिनके स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, जैसे ही टाइम मिलेगा आई विल बी देयर। थैंक यू, मुंबई में जाने के लिए मेरा तड़का लगेगा, तो आप भी परफॉर्म करेंगे? सॉरी, आप भी परफॉर्म करेंगे जैसे मुंबई में आपने बताया है? जी इस बार नहीं, परफॉर्मेंस नहीं होगा मेरा आज, और ये पंजे का परफॉर्मेंस है तो मैं कर सकती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू।